बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ जो बहुत अहम है, हमारे घर वाले हमें क्यों नहीं समझते, हमारे घर वाले हमें समझ नहीं पा रहे। हम उन्हें समझा समझा के थक गए हैं, पर वो फिर भी हमें समझ नहीं पा रहे, हम क्या करें। और एक सवाल जो मुझसे भी किया जाता है कि आपके घर वाले क्या आपको समझते थे। हाय, अगर घर वाले ही समझ जाते तो ये दुख दर्द तकलीफें इतनी क्यों होती। अगर घर वाले ही समझ जाते तो फिर हमें किसी कोच की, इन वीडियोस की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, इन लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती। मसला ही तो ये है कि घर वाले नहीं समझते और मेरे घर वाले भी नहीं समझे मुझे। मैंने ज़िंदगी के 8 साल लगाए अपने घर वालों को और घरवाली को समझाने में। घर वाले तो किसी हद तक समझ गए, लेकिन घर वाली की समझ में कुछ चीज़ें नहीं आई। तो मैंने समझा फिर कि यार, मैं इन लोगों को समझाने के बजाय क्यों ना ख़ुद को समझाऊं। जितना टाइम मैंने उन लोगों को समझाने पे लगाया, बिलीव मी, उससे कम टाइम भी नहीं लगा मुझे ख़ुद को खुद समझाने में। और अगर आप लोग भी 100 डेज देते हैं तो मेरे चैनल पे आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाएंगे ख़ुद को कि काफ़ी हद तक कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेल, पॉइंट इज़ दिस कि जब घर वाले नहीं समझते हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। पहली चीज़ तो ये कि घर वालों की 2 कैटेगरीज़ मैंने की हुई हैं। एक घर वाले हैं जो आपके घर वाले हैं, जैसे आपके माँ बाप, बहन भाई और ये रिश्ते हैं जिनके साथ ही आप बचपन से आए हैं, पले बड़े हैं और आप जवानी के फेस में आए हैं। दूसरा रिश्ता जो आपकी बेगम का रिश्ता है, आपके शोहर का रिश्ता है, ये दूसरा रिश्ता है। तो ये 2 फैमिलीज़ बनती हैं। इन 2 फैमिलीज़ में से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस तरफ है वो माँ बाप होते हैं। बहन भाई आल्दो के इतने ज़्यादा नहीं मैटर करते, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, करते हैं लेकिन बहुत हद तक कम है और माँ बाप से नीचे हैं। इसी तरह अगर आप बेगम की फैमिली में चले जाएँ, शोहर की फैमिली में चले जाएँ, तो आपके शोहर का जो है ना वो ज़्यादा अमल दखल है, आपकी बीवी का ज़्यादा अमल दखल है, उसके घर वाले, उसकी साइड वाले, उनका अमल दखल कम है। तो अब यहाँ ये है कि फ़र्ज़ करें आप अपने घर वालों को बताते हैं और जब वो नहीं समझते तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और जब आपकी बेगम को समझाते हैं तो फिर आप, अगर वो नहीं समझती तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। इन लोगों को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस रिश्ते को आप छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नॉर्मली मैं रिश्ता तोड़ने की बात कभी भी नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर शुरुआत की दौर है, आपने 6 महीने 1 साल साथ गुजारा है और आप दोनों की मेंटालिटी नहीं बदल रहे, आप दोनों की मेंटालिटी नहीं मिल रही, आपने समझाने की भी कोशिश की, आपने बताने की भी कोशिश की कि बंदा समझ जाए, सुधर जाए, लेकिन वो बंदा नहीं सुधरा। और ये चीज़ ना मैं कहता हूँ कि बड़ी 100 में से 1% चांस है कि वो बंदा वक्त के साथ सुधर जाएगा या वो बंदा वक्त के साथ जो है वो वापस आ जाएगा, आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। नॉर्मली मैंने तो वक्त के साथ लोगों को ख़राब होते देखा है, बहुत कम लोगों को मैंने सुधरते देखा है। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले होता होगा लेकिन आज के दौर में यही ज़्यादातर चल रहा है, पता नहीं आगे आने वाला दौर कैसा होगा। तो ऐसे इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको अपनी बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएँ समझने के लिए, आपको डिसीजन करने में चीज़ें बड़ी आसान हो जाएं। पहली चीज़ ये कि जब मैं इस चीज़ में आया तो मेरे घर वाले सोच ही नहीं सकते थे कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा इंसान था कि जब हम लाहौर आए, मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ, तब चूँकि मेरा जो बड़ा भाई था और उसके बाद मेरा नंबर था, तो हम दोनों का जो था ना वो बड़ा डिफरेंस नेचर में से था कि वो अम्मी की किसी बात को भी एज इट इज़ नहीं मानता था और मैं अम्मी की हर बात को एज इट इज़ ही मान लेता था। कोई भी उनसे जो है ना वो आर्गुमेंट्स नहीं करता था, और वो जो था वो आगे से आर्गुमेंट्स करने बैठ जाता था कि मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ। अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, आल्दो के इंसान वो मावलस था लेकिन थोड़ा लाडला था, तो वो लाडलेपन में ये चीज़ें कर देता था, और मैं चूँकि मिड में था और मिड वाला बंदा हमेशा कम ही लाडला होता है, तो मैं जो था ना वो हर चीज़ मान देता था उनकी, और मैं हर मसले का हल बताता था, मसला नहीं बताता था। और यही रीज़न थी कि अम्मी सोचती थी कि इस बंदे को ना कभी कुछ नहीं हो सकता। अब जब मैं इस चीज़ में आया, मैंने सबसे पहले अपनी बेगम को बताया, तो मेरी बेगम जो थी वो थोड़ी सी मुस्कुरा पड़ी कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे तो होता ही नहीं, आप खामखा ज़्यादा सोच रहे हैं, आप पागलों वाली सोचें सोच रहे हैं।
तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, और ऑलरेडी एक इंसान परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, तो और जब उसका लाइफ पार्टनर इस तरह की बात कहे तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। आल्दो कि ये चीज़ें हमारी खुद की बनाई होती हैं और हमें ही सॉर्ट आउट करनी होती हैं, लेकिन किसी के दो हमदर्दी के बोल हमें बड़ी हेल्प करते हैं। फिर वक्त गुजरता रहा, मैंने बेगम को टाइम टू टाइम समझाया आल्दो कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ लविंग है, केयरिंग है। मैं कहता हूँ कि उस जैसा कोई लड़की मुझे उतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकती, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का था कि कम ज़्यादा थी। और अब जब आप इस तरह के होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एनजाइटी में होते हैं, तो आप इस तरह के होते हैं, और जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, वो जब आपको समझ नहीं पाता, उसको ये नहीं पता होता कि आप किस सोच में हैं, आपके पास जो पानी का गिलास रखना है वो किस तरह रखना है। कुछ इन लोगों के कुछ रूल्स होते हैं, अब वो रूल आम बंदे को नहीं पता होते, ठीक है। तो मैंने फिर उन चीज़ों में ज़िंदगी गुजारी। दूसरा जो स्टेप था वो मेरी वालदा थी। जब मैंने पहली दफ़ा अपनी अम्मी को बताया, उनका भी यही था कि तुम तो पागलों की तरह सोच रहे हो, खामखा सोच रहे हो, उलझनों में हो तुम तो तुम्हें तो मैनेजमेंट नहीं आ रही, तुम्हें ये चीज़ें नहीं आ रही। उनको लगता था कि मुझे दौलत का नशा है, हालांकि अल्लाह जानता है मेरे पास पैसा तो बहुत था, सुकून नहीं था, मुझे सुकून का नशा था, मुझे सुकून चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो भी चीज़ें नहीं समझ सकी। फिर मेरी दो बड़ी बहनें थीं, हम मेरी दो बड़ी बहनें और फिर हम दो छोटे भाई हैं, और जो दो बड़ी बहनें हैं उन्होंने हम दोनों को बच्चों की तरह पाला है, वो इतना प्यार, इतनी केयर उन्होंने दी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन से बात की, वो भी आगे से यही कि तुम पागलों की तरह सोच रहे हो, तुम तो पागलों की वाली बातें कर रहे हो। उससे छोटी वाली बहन से बात की, वो तो बात ही ना सुने कि वो कहे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। और ये लफ्ज़ ही मेरी बेगम के थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो बेगम चूँकि माशाल्लाह एक ऐसी फैमिली में से आई थी कि जिन्होंने कभी बचपन से कोई महरूमी नहीं देखी थी, और मैं चूँकि महरूमियों में पला बड़ा था, तो मेरी सोच और उनकी सोच में डिफरेंस था। तो मैंने कभी भी इस चीज़ से उससे कंप्लेन नहीं की और ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि हम दोनों में थोड़ी सी ज़रा डिफरेंसेस थे। लेकिन आल दो के उस जैसी कोई लड़की मैं समझता हूँ इस दुनिया में नहीं होगी, कि मैं वो सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और पागलों की तरह करती है, और अभी भी करती है, ठीक है, वो बेपनाह मोहब्बत करती है। अब जब ये सारे हो गए, अब मैं अकेला बैठ के सोच रहा हूँ कि यार मैं किसको बताऊँ, इन लोगों को मैं बता नहीं सकता था मेरे साथ होता क्या होता क्या। तो मैं अंदर ही अंदर ना इन चीज़ों में ज़्यादा जाता जा रहा था। बड़ी ईद का दिन था, और अब तक ये बात ना सिर्फ हमारी फैमिली में थी, बड़ी ईद का दिन था। और अच्छा, इसमें एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि मैं अपने एक कज़न की शादी पे गया था, और मैं वहाँ जाके ना टुन था, मतलब टुन इन सेंस, और मैं वहाँ जाके ना बिल्कुल लेज़ी था, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, बल्ली में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ के शादी में जाके सेलिब्रेट कर सकूँ। आल्दो कि ये उन दिनों की बात थी जब मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा था, तो उनकी एक गनूदगी थी, उनका एक नशा था, तो वो एक चीज़ बड़ी थी। और मेरी अम्मी ने मुझे पता है मेरे ख़ानदान को कैसे समझाया, कैसे उनको कि नहीं नहीं इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसकी तबीयत नहीं ठीक। वरना क्या था कि मेरे ख़ानदान में ऑलरेडी जो थे वो पहले ही दो तीन जो लोग थे वो पागल हो चुके थे, और मेरा बड़ा भाई भी चूँकि पागल हो चुका था, और उसकी भी ज़हनी कैफियत थी, और मेरे पे इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर था, सवाल था कि क्या मैं भी पागल हो जाऊँगा, क्या मेरी लाइफ भी आगे पागलों की तरह गुजरेगी। सो अंदर ही अंदर ना एक बहुत बड़ी जंग थी ये जो मेरे अंदर चल रही थी। बड़ी ईद का दिन था, मेरे कज़न वगैरह मेरे घर आए, और मैं इससे पहले ना बड़ा गोश्त खाना छोड़ चुका था, क्योंकि बड़े गोश्त के बाद ना मुझे अक्सर पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ता था। तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने ज़िद की, चल यार तू भी खा, हम भी खा रहे हैं, तू भी खा। तो मैं बकरे का गोश्त बना हुआ था, इससे पहले मैं गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, काफ़ी अर्से से नहीं खा रहा था। तो अब चूँकि वो लोग भी आए हुए थे, तो ज़ाहिर है कोई इंसिस्ट करे तो फिर बंदा खा लेता है। तो मैंने उस दिन गोश्त खा लिया। अब जब मैंने गोश्त खाया, शाम के वक्त मुझे पैनिक का सामना करना पड़ गया, और मुझे इतना बुरा पैनिक अटैक था, मेरे घर वालों ने और मेरे कज़न्स ने मुझे पकड़ा हॉस्पिटल लेके। अब जब मेरी अम्मी भी मेरे साथ थी, और जब जाके उन्होंने मुझे लटाया और वो ECG वगैरह और ये वो उसकी अपरेटस वगैरह लगाए, तो मेरी अम्मी को एक चीज़ समझ आई, मेरी अम्मी को एक चीज़ याद आई कि अच्छा ये तो वही हुआ था जब मेरा बड़ा भाई फौत हुआ था। तो मेरी अम्मी को ये पता चला था कि मेरा बड़ा भाई फौत हो गया, तो मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि उनको पैनिक अटैक आ गया था, और उनको वो लोग हॉस्पिटल ले गए थे, और जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो वो सब उनके साथ हुआ। तो फिर जब उनको पता चला, उन्होंने कहा अच्छा तू परेशानी लेता है, तब मेरी अम्मी ने कुछ चीज़ों को समझा
और इतना ज़्यादा आलदो के तब भी नहीं वो समझ सकी चीज़ों को, लेकिन उन्होंने तब समझा। ये वो चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में गुजरी। अब मैंने इन लोगों को समझाने के लिए 8 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए, मुझे पता है अच्छी तरह, बड़ा समझाया कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, बेगम को भी कहा, वो बेचारी भी नहीं समझ पाई अनफॉर्चुनेटली, और लिटरली कि उसने अपनी 110% दी, 110% दी। मैं अपनी बेगम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने 110% दी। और मैं, मुझे ये चीज़ उसकी बड़ी पसंद है कि वो वक्ती तौर पे तो शायद मेरी बात को उस तरह नहीं नोटिस करती, लेकिन बाद में नोटिस ज़रूर करती है। ये मुझे उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी लगती है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। अब मेरे साथ जब ये चीज़ें गुजरी, तब मैंने फैसला किया कि अब इनको नहीं बताना, अब इनको नहीं सुनाना, अब मैंने अपने आप को सुनाना है। जब मैंने परेशानियाँ, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स अपने आप को सुनाना शुरू की ना, तब वो चीज़ें बड़ी आसान होगी मेरे लिए। एक बात मेरी याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। मेरे से ये चोट लगी थी ना, ये चोट लगी जब मुझे घर घर कॉल आ रही थी, मेरे ससुराल में से, मेरे कज़न्स में से, वो तेरा एक्सीडेंट हुआ, सुना है यार तू बच तो गया ना, ठीक तो है ना सब, तुझे कोई चोट तो नहीं आई? एक ही चोट आई है, अच्छा चलो 12-14 जो टांके लगे हैं वो टांके खुल जाएंगे, परेशान नहीं होना, ये है वो। इस पे ना बड़ी कॉल्स आई थी और अंदर ही अंदर एक अच्छा भी लगा था कि यार लोग कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन एक ज़ख़म जो यहाँ था ना उसकी कोई कॉल नहीं आती थी, एक ज़ख़म जो यहाँ था उसकी किसी को समझ नहीं आती थी, कोई नहीं समझ पाता था। तो मैं एक्सपेक्टेशंस में था कि ये लोग समझेंगे, ये लोग मुझे कहेंगे, मेरी केयर करेंगे, मुझे हुकअप करेंगे, मुझे समझाएंगे, बेटे तुम कर सकते हो बेटे। ऐसा नहीं होता, होता भी होगा ना तो 100 में से 1% लोगों के साथ होता होगा, 99% लोगों के साथ नहीं होता होगा। अब इससे मैंने 2 चीज़ें सीख ली, एक चीज़ ये कि फैमिली को कैसे डील करना है, और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ पार्टनर को कैसे डील करना है। ये मैं चीज़ जो अब आपको बताने लगा हूँ, इसका मकसद कतन ये नहीं कि आप जो है ना वो मेरी इस बात को नेगेटिव सेंस में ले जाएं कि ये बंदा जो है वो कह रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दो, या ये बंदा कह रहा है कि अपने जो है वो घर वालों को ना बताओ। 2 चीज़ें हैं ये, आपने करेंगे तो आपको इस मसले का हल मिल जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपने करनी होंगी तो ही ज़िंदगी आसान होगी, वरना ज़िंदगी वावेले से आसान नहीं होगी, लिखवा लें मुझसे, गारंटी देता हूँ आपको। अब तक तो आपने फलां बंदे से सुना होगा, फलां से सुना होगा, जी जाओ घर वालों को बताओ, किसी ऐसे दोस्त को बताओ, किसी से दोस्ती कर लो, फेसबुक पे किसी से दोस्ती कर लो, उसे बताओ, ये करके देख लें। ये मैंने भी किया था, बड़ी कोशिश की थी, दोस्तों को बताया, उन्होंने मिलना छोड़ दिया, घर वालों को बताया, उन्होंने पागल पागल कहना शुरू कर दिया कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है। आलदो कि हम ही सोच रहे होते हैं, लेकिन जो घर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस बंदे को थोड़ी सी सपोर्ट दें, थोड़ी सी कोचिंग करें उसकी, उसका जो एंगल एक सेट हो गया ना थिंकिंग का, उसको बदल के रखें आप। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ दें। अब जो इस तकलीफ में है वो लोगों ने क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि जो आपके घर वाले हैं, जिसमें आपके माँ बाप बहन भाई हैं, कोई अच्छा बंदा मिलता है तो ठीक है, लेकिन उसको भी इतनी ही बातें बताएं कि जिससे वो आपको कभी ताने ना दे, जिससे वो कभी आपको इस लफ्ज़ से ना जोड़े कि खाम खा तुम पागलों की तरह सोचते हो, खाम खा तुम ज़्यादा सोचते हो, इस तरह की चीज़ें वो आपको ना कहे। वो उसका कैलिबर फिर इस तरह का होना चाहिए, उसकी थिंकिंग फिर इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में डील करे, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं डील करे। ये दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपको कहता है कि तुम खाम खा पागलों की तरह सोच रहे हो, आपके जहन में जो सबसे पहली क्लिकिंग होगी ना वो पागल होगी कि मैं पागलों की तरह सोच रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर वही काम आप कह रहे हैं और कोई बंदा आपको ये कहता है कि कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, ये तो हो जाता है जब इंसान थोड़ा सा परेशान होता है, उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर दिया आपके लिए। अगर आप इन दोनों वर्ड्स के ऊपर गौर करें, दोनों सेंटेंस के ऊपर गौर करें, तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी फैमिली में कौन सा ऐसा बंदा है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। एक स्टेप आगे आके आप अपने लिए ये काम क्यों नहीं कर देते, आप अपने आप को क्यों नहीं समझा लेते। बिलीव मी, थॉट्स मैनेजमेंट, आप अपने थॉट्स को मैनेज कर लें, यू विल बी योर कोच, यू विल बी योर काउंसलर, आप अपने आप को समझा लेंगे, आप अपने आप को हील कर लेंगे, हील कर लेंगे आप, अगर तो आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो। अब मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया ना, अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अब मुझे अपनी माँ से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी पड़ती, कोई चीज़ बेगम से शेयर नहीं करनी पड़ती, कोई बहन भाइयों से शेयर नहीं करनी पड़ती, खुद ही मैनेज करता हूँ, खुद ही खुद से लड़ता हूँ, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन में एक दफ़ा आ जाता है ना जो बंदा, उसकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, फिर
बस मसले की मज़े की चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इन चीज़ों से निकल के बाहर आ गया हूँ, अब मुझे हर चीज़ पीस ऑफ केक लगती है। कोई परेशानी भी आए मुझे पीस ऑफ केक लगती है, मुझे लगता है कि यार इट्स न्यू चैलेंज फॉर मी, अच्छा लगता है डील करना, अच्छा लगता है। अब तो जब मुझे कोई इस तरह की चीज़ ना मिले मुझे तब परेशानी होती है कि यार क्या हो गया, क्यों नहीं ऐसा कुछ मेरा, क्यों मैं सोच नहीं पा रहा कुछ नया। अल्दो कि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे ऑल द टाइम सोचना पड़ता है, ऑल द टाइम राइटिंग करनी पड़ती है, तो मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा अच्छी करता हूँ, ओवर थिंकर मैं तो शुरू से ही हूँ, लेकिन यहाँ अभी भी अब वो ओवर थिंकिंग मुझे तंग नहीं करती। अब वो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं सोचो ज़रा अगर तस्वीर का मैं दूसरा रुख देखता, मैं घर वालों को बताता रहता तो सारी ज़िंदगी उनको बताता रहता, वो ना थक जाते, वो ना तंग आ जाते, वो भी समझा समझा के अक ना जाते, और तुम एक वक्त उन परेशानियों के हल ले लेके थक ना जाते, फिर नई से नई परेशानी आती। सो बेटर इज़ दिस कि जो अंदर है इसको समझा लो, ये बड़ा आसान है, दुनिया को समझाओगे बड़ा मुश्किल है। और मज़े की बात ये भी है कि आज के दौर में तो अपने भी बहुत कम अपने हैं, माँ बाप के सिवा बहन भाई भी वक्त के साथ बदल जाते हैं, शादियाँ होती हैं, तू कौन तो मैं कौन। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, आज़मा के देख लीजिएगा, पहले आज़माइएगा फिर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, पहले आज़माना शर्त है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वक्त से पहले ही मुझे कह देते हैं कि जी ये बात आपने गलत की, फिर आजमाते हैं, फिर कहते हैं हाँ हाँ ठीक की, गलती होगी, मैं नहीं समझ पाया। मैंने बड़े ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, बड़े ऐसे लोग देखे हैं सच में जिन्होंने मेरी बात को सेकंड किया, पहले उन्होंने इग्नोर किया बाद में सेकंड किया। दूसरी चीज़ लाइफ पार्टनर, जिंदगी का मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना आपकी ज़िंदगी बना भी सकती हैं और आपकी ज़िंदगी मिटा भी सकती हैं, उनमें से एक चीज़ होती है आपका लाइफ पार्टनर। अगर तो आपका लाइफ पार्टनर आपको समझने वाला ना हो, ज़िंदगी जन्नत है, वरना ज़िंदगी जहन्नम है। कैसे? फ़र्ज़ करें एक दिन आप परेशान हैं और आप एक ज़हनी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो वहाँ बैठा है, आप औरत हैं मर्द हैं जो भी आपकी जेंडर है, इसी तरह आपके सामने जो बैठा है वो आपका ऑपोजिट होगा, अगर आप लड़की हैं तो वो लड़का होगा। तो आप यहाँ बैठे हैं परेशान हैं और वो आपके सामने बैठ के बिरयानी खा रहा है, चिकन कढ़ाई खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, और आपके मुंह पर डकारे मार रहा है, बड़ी मज़े की है, हाउ यू विल फील, कैसा महसूस करेंगे आप? दिल करेगा कि यार इस बंदे को ना मैं क्या आप कह सकता हूँ, बर्दाश्त ही करना बनता है। बर्दाश्त करेंगे आप कितनी देर? ये मरहला अगर पूरी ज़िंदगी चलेगा तो कितनी देर बर्दाश्त करेंगे आप? खुदा की कसम वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है ये फैसला ज़िंदगी का, बड़ा मुश्किल है। आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको नहीं समझता ना, तो वो स्टार्टिंग में आपके पास पूरी ऑप्शन होती है, जब आपके पास बच्चे नहीं होते, जब आपके पास इस तरह का कुछ भी नहीं होता, आपके पास पूरी च्वाइस है कि आप उस बंदे से रास्ते अलग कर लें, उस बंदे से हाथ जोड़ें और उसे कहें भाई ठीक है, मेरी तेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी तेरी चीज़ों को समझने की नहीं है, कि वो आपके सामने बैठा डकारे मार रहा है आपके मुंह पे, आपके सामने पानी पी रहा है, आप परेशान है तो वो आपको तंजिया नज़रों से देख रहा है, आपको और मार रहा है, आपको और डिप्रेशन में धकेल रहा है। आप एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, एक हद तक बर्दाश्त करने के बाद क्या ऑप्शन होगी? फ़र्ज़ करें आपने कहा जी नहीं मैंने इसी के साथ ही रहना है, फैसला सोच समझ के करें, इसी के साथ ही रहना है, आपने उसी के साथ ही रहे, 5 साल गुजर गए, 3 बच्चे हो गए आपके, 10 साल गुजर गए, 4 बच्चे हो गए आपके, अब आपकी लाइफ कहाँ है? अब आप और बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, ज़िंदगी कहाँ है अब मुझे ज़रा बताएं? परेशानियों में है ज़िंदगी। अब क्या ऑप्शन होगी किसी बंदे के पास आप जाएंगे, वो क्या आपको जो है ना वो करेगा कि आप किसी से दोस्ती कर लें? नॉर्मली औरतों को ये मशवरा दिया जाता है, औरतों में ज़्यादा ये होता है, तो उनको मशवरा दिया जाता है कि आप किसी से दोस्ती कर लें। अब वो दोस्ती क्या होगी? उसको तो एक ऑपोजिट सेक्स के बंदे की ज़रूरत है ना, जो उसको इमोशनली मोरली अंदर से डील करे, जो उसकी टूटी हुई ज़ात को जोड़े। अब वो ज़ाहिर है उसके हस्बैंड की तरफ से तो नहीं हो रहा, और ज़ाहिर है बीवी के केस में हस्बैंड की तरफ से नहीं हो रहा, और हस्बैंड के केस में बीवी की तरफ से नहीं हो रहा, क्या रास्ता बचता है? फिर वही जना का रास्ता बचता है,
फिर वही गुनाह का रास्ता बचता है। ज़ाहिर है जब आप किसी से दोस्ती करेंगे तो फिर मामले दोस्ती तक थोड़ी रहते हैं, औरत और मर्द कभी दोस्त नहीं रहते, ये मैं आपको 110% गारंटी से ये बात कह सकता हूँ। जो ये लिबरल समझते हैं कि औरत और मर्द सिर्फ दोस्त रहते हैं, तो फिर उनके नज़दीक दोस्ती के तकाजे में आ गई, ये हम बिस्तरी भी उन्हीं के तकाजे में ही आती है, और वो ये करके भी गलत नहीं समझते, ठीक है ना। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स टोटली रॉन्ग थिंग, फिर क्या बचेगा। आप शरीफ थे, अब आप यहाँ से गुनाह की जद में आ गए, आप मजबूर हो गए ना, मजबूरी सब करवा देती है इंसान से। सो क्या ही अच्छा होता कि 10 साल पहले आप ये डिसीजंस कर लेते। अब आपके पास क्या मजबूरियाँ, आप औलाद को देखेंगे, आप अपने माँ बाप को देखेंगे, आप अपने आप को सबसे लास्ट पे देखेंगे। लेकिन कर ये फैसला आप अपने लिए नहीं रहे होंगे अब, और अपने जहनी सुकून से आप तंग होंगे, क्या करेंगे आप। सो बेटर इज़ दिस कि पहली चीज़ तो ये कि रिश्ता बड़े सोच समझ के जोड़ें। अगर रिश्ते में थोड़ी ऊपर नीचे हो ही गई है दोनों साइडों से, जहाँ से भी गलती हुई है, उस गलती को भुगतने के लिए, उस गलती का जुर्माना अदा करने के लिए एक लफ्ज़ है तलाक, जिसको अल्लाह ताला ने शरण इजाज़त दे रखी है, जिसको अल्लाह ताला ने लड़की और लड़के के इख्तियार, जिसमें जिसको अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया है औरत को भी मर्द को भी, कि वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो फैसला कर सकते हैं। तो फिर आप जब इस फैसले को करते हैं, पूरा सोच समझ के करें। याद रखें, वक्त के साथ साथ बंदे मैंने बिगड़ते देखे हैं, सुधरते बहुत कम लोग देखे हैं। बर्दाश्त कर लेंगे आप कि आपका शोहर आपको पल पल टीज़ कर रहा है, बर्दाश्त कर लेंगे आप कि आपकी बीवी आपको पल पल टीज़ कर रही है, नहीं समझ पा रही, दुख तकलीफ़ें दे रही है। यार मुझे पता है ये कितना मुश्किल काम है, मुझे पता है लोगों से नहीं होता, अक्सर लोगों से नहीं होता, अक्सर लोग मेरे पास आके रो पड़ते हैं, मुझे जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं मैं लिटरली रो पड़ता हूँ कि यार इनके पार्टनर्स किस तरह के हैं जो ज़रा सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे। मैंने एक लड़की ने मुझे बड़ी अपनी स्टोरी सुनाई, और मैंने सिर्फ उससे एक चीज़ पूछी कि क्या आपने नाश्ता किया, वो लड़की ज़ारो कतार रोने लग पड़ी। वो कहती है मेरे हस्बैंड को मुझसे शादी किए हुए इतना अरसा हो गया, आज तक उसने पूछा नहीं कि क्या तुमने नाश्ता किया, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया, तुम परेशान तो नहीं हो, मुझे इतना अरसा हो गया। और मैं, मेरा सिर्फ एक लफ्ज़ था कि क्या आपने नाश्ता किया था, जो आप इस तरह, हालांकि मैंने पूछना था कि नाश्ता ना करने की वजह से आप ये, लेकिन मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ ही पूछ लिया कि क्या आपने नाश्ता किया, वो लड़की रो पड़ी। सो अपने लाइफ पार्टनर को समझें, अगर आप उसे नहीं समझ सकते, सो बेटर इज़ दिस कि आप उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करें, उसको छोड़ दें। कोई ना कोई इंसान तो होगा जो उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा। अगर आबाद नहीं कर सकते आप, तो उसे बर्बाद ना करें। लेकिन अगर आप उसके साथ रहने का फैसला कर ही लिया, तो कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा, कहीं आपको आगे आना पड़ेगा, और कहीं उसको पीछे हटना पड़ेगा, कहीं उसको आगे होना पड़ेगा और कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा, तो ही ज़िंदगी गुजरेगी ना। ऐसे तो नहीं कि आप खुद ही आगे आगे होते रहे और उस बेचारे को पीछे करते रहे, उस बेचारे को पीछे करते रहे। सो ये दो चीज़ें हैं, बड़ी सोच समझ के चलें। मामला फिर वही है कि सबसे पहले अपने आप को समझाएं। अगर अपना आप समझते हैं कि ज़्यादा आगे जा रहा है, तो फिर घर वालों से बात कर लें। अगर घर वाले भी नहीं समझते, तो फिर फोकस ज़्यादा अपने आप पे समझाने पे रखें। तीसरी चीज़, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन इस तरह की रखें, अगर उसको आपकी समझ नहीं आ रही और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, थोड़ी स्पेस देना बेहतर रहता है। फैसले तक बात जाने से पहले एक दो बार आपस में डील कर लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर फिर भी चीज़ें नहीं समझ आती, तो फिर आखिरी हल फैसला हो जाए तो बेहतर है। खामखास साथ रह के दोनों के लिए अजियत रहना बड़ी बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है। ये एक इखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत है कि आप साथ रह के गालियाँ भी दे रहे हैं, साथ रह के बुरा भला भी कह रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर भी कर रहे हैं, इस तरह ना करें। तो ये वीडियो आई होप सो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और मेरी कोई बात इस वीडियो में आपको बुरी लगी हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।